दोस्तों, देश भर में आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक करने की सर्विस जारी है। दोस्तों, आप भी अपने स्मार्टफोन से अपना या अपने किसी रिश्तेदार का आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफाई। Don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Installation complete होने के बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन करें। और आई एग्री पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। अब आपके सामने वोटर हेल्पलाइन की स्क्रीन है। इस पर पहले ऑप्शन वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद इलेक्ट्रॉल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B पर क्लिक करें। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और सेंड OTP करें। थोड़ी ही देर में आपको आपका OTP सेंड होगा। यहाँ पे OTP नंबर डालें, फिर वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे यस आई हैव वोटर आईडी क्लिक करें और यहाँ खाली बॉक्स में अपना वोटर आईडी का जो नंबर होगा वो डालें और नीचे से स्टेट सेलेक्ट करें, जो भी हो। जैसे मेरा कर्नाटका का है, मैंने कर्नाटका डाला। आप अपना स्टेट डाल सकते हैं। यहाँ पे फेस डिटेल पर क्लिक करें, नीचे से प्रोसीड पर क्लिक करें। सारी डिटेल आएगी आपके वोटर आईडी की। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालें, फिर डन करें। फिर नीचे आने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें या अपने किसी रिश्तेदार का जिसका बना रहे हैं। फिर यहाँ जहाँ से बना रहे हैं, जिस जगह से, वहाँ की जगह का नाम डालें, तुम्हारे सिटी या गांव का जो भी है। फिर नेक्स्ट करें, फिर यहाँ पर आके कंफर्म करें। इसके बाद अभी आपको एक नंबर दिया जाएगा, जो आपको रेफरेंस नंबर होगा उसको याद रखें। तो फ्रेंड्स, ये था आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक करने का तरीका। अगर आपको कुछ ना समझ आया या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें।